Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear students, as you know, we have 2 books in our Hindi syllabus. First is Sahitya Sagar, second one is Saras Hindi Vyakaran. First of all, welcome in 9th class, bachche. पहले हम शुरू करेंगे साहित्य सागर, जिसमें हमारी स्टोरीज आ जाएंगी और पोइम्स आ जाएंगी। पहले हम कहानियाँ करेंगे, उसके बाद पोइम का पोर्शन करेंगे। अध्याय पहला जो लिखा गया है सुदर्शन राइटर द्वारा, सहित इसमें हमने जानना है कि हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में कि कहाँ हुआ था। ठीक है, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सन 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। सुदर्शन को गद्य और पद्य, गद्य प्रोज सेक्शन, पद्य पोएट्री दोनों में महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा मतलब स्क्रीन प्ले और गीत भी लिखे। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, जिसका टाइटल है बात अठन्नी की। बेटा, टाइटल से पता चल रहा है हमें अठन्नी होता, पहले 16 आनों का 1 रुपया होता था। इट मीन्स 8 आनों का 58 पैसे हो गया। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने को बार बार प्रार्थना की, पर वह ये हर बार कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य ले जाओ, अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहा था कि मैंने आपको पैसे नहीं देने। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा, ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जिला मैजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी।
दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमज़ान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को दास देकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई, बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो, पेशगी होता है एडवांस में जब सैलरी ले लें। कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपये रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, मतलब जो उसने पैसे लिए थे वो उसने दे दिए, सिर्फ केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। बाबू जगत सिंह जिसके अंडर रसीला काम करता था, रसीला ने सुना, वो बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था। इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मतलब वो रिश्वत ले रहा था और 500 रुपए को भी कम कह रहा था। हुजूर मान जाइए, रिश्वत देने वाला बोल रहा है, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं है तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी, मेहनत करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा, मतलब मैंने एक भी पैसा रखा नहीं, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उससे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लिया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और